一块说他也那么说吗？说的那么说哈。麻痹了还。हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 14th अगस्त और आज पितृपक्ष का लास्ट डे है। आप लोग को जैसा कि पता है कि सितंबर से ही शायद पितृपक्ष चालू था और कल से नवरात्रि चालू हो जाएगी। कौन आवाज़ कर रहा है आज सुबह से? बहुत आवाज़ हो रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन होता है ना दिमाग। एक बार बंद हो जाए फिर बोलता हूँ। हाँ बंद हो गया। तो अभी कल नवरात्रि चालू हो गया तो आज पितृपक्ष का लास्ट डे है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं सब खाना मैं मतलब कि साफ़ सफाई करके खाली हो गया हूँ और यहाँ पर पापा पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पितृपक्ष में खाना बनता है अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनको मनपसंद चीज़ें बनती है। तो मम्मी ने पूड़ी हलवा बनाया है। चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ आज कैसा क्या चीज़ हो रहा है। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब करना। मैं आप सबसे बाद में मिलता हूँ। ओके हे गाइस, तो अभी इधर जैसा कि आप देख सकते हैं पापा हवन कर रहे हैं पितृपक्ष के समापन में, और मम्मी पापा को बता रही हैं कि कैसे करना है। तो दोनों की अच्छी ट्विनिंग होती है, एक दूसरे को मम्मी बताती रहती हैं, पापा भी मम्मी को बताते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी अभी पापा पूजा कर रहे हैं, मम्मी अपना खाना बनाई थी तो पापा का अभी पूजा इधर समाप्त हो गया है। अब भोजन पहले भगवान को चढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद हम सब लोग भी खाना खाएँगे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं भगवान जी को हम लोग ने भोजन चढ़ा दिया है। पूड़ी और हलवा मम्मी ने बनाया था और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि फाइनली पितृपक्ष समाप्त हुआ है, हमारे पितरों को मुक्ति मिले, उनका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे और भगवान जी का भी आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। बस इसी कामना के साथ चलो अब कल से नवरात्रि चालू होगा तो उसका आनंद लेंगे। बाकी गाइज आप देख सकते हैं अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं कि जैसे ही प्रसाद ग्रहण हो जाता है तो हम सब भी खाना खाएंगे। आप लोग को दिखाता हूँ, मम्मी देखे किचन में गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हैं और देख के बहुत टेस्टी लग रहा है, और हलवा यहाँ पर पापा के लिए ही खाना निकल रहा है क्योंकि पापा कब से वेट कर रहे हैं खाने का। और पापा आज गए थे मंदिर तो वहाँ से समोसा लेके आए थे, तो सोचे कि यार चलो खा ले आ जाए, तो मम्मी पापा को यही सब प्लेट उठ करके दे रही हैं। और गाइस जैसा कि पता है कि बहुत कपड़े हो गए थे तो आज हम लोग ने मशीन भी लगा दिया। आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा कपड़े, मतलब क्या बताऊँ इतने ज़्यादा, आप देख रहे हो पूरा चेयर भर गया है। और मौसम भी सुंदर है, कपड़ा धुल जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग कुछ और प्लान करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं गाइस इधर नीचे ना बहुत आवाज़ें आती हैं, पता नहीं क्यों। ये कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पर घर नहीं लेना चाहिए, इतना कंस्ट्रक्शन चलता है कि सर दुख जाता है। अभी इधर टाइल्स लग रहे हैं इसीलिए इतना काम चल रहा है। तो दोस्तों फाइनली सब काम वाम हो गया था, सब लोग ने खाना वाना खा लिया था, तो अभी मैं किचन की बालकनी में बैठा हूँ। और ये क्या होता है यार, ये इतना क्यों हो रहा है? तो मैं अभी अपना काम करके खाली हुआ था। एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल और जर्नल कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम जा रहा है, तो मैं प्रैक्टिकल और जर्नल लिख रहा था अभी, और अभी जस्ट खाली हुआ तो मम्मी बोल रही हैं कि उनको मार्केट जाना है सामान लेना है, क्योंकि कल से नवरात्रि चालू हो रही है तो पूजा पाठ का सामान लेना है। लेकिन मैं बोला कि मेरे पास एकदम टाइम नहीं, क्योंकि मुझे मंडे तक अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, तो उसी में लिख रहा था तो थोड़ा सोचा ब्रेक ले लूँ, फिर उसके बाद फिर से लिखने जाऊँगा। बाकी मैं कल नवरात्रि चालू होगा तो फिर मैं उसका ऊपर ब्लॉग बनाऊँगा। अभी पापा आ गए हैं ऑफिस से, फिर दिखाता हूँ क्या हो रहा है। चलो तो दोस्तों अभी रात के 8 बजने वाले थे तो पापा को भूख लगा था तो खाना खाने का टाइम हो गया था, तो फाइनली पापा अपना टीवी देख के खाना खा रहे हैं। और देखिए आज खाने में हम मम्मी ने बनाया था पूड़ी और सब्जी कॉलीफ्लावर की, और चावल बनाया था। मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि इतना टेस्टी बना था कि सब लोग खा लिए थे तो रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। बाकी आप लोग को पता है कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो मैं तो मैच नहीं देख पाया, लेकिन भैया तो पूरे दिन देख रहे थे। आप देख सकते हैं फाइनली इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और आप लोग को तो पता ही होगा कि इंडिया जीत गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। फाइनली हम लोग वर्ल्ड कप के बहुत पास आते जा रहे हैं, बस भगवान से मनाता हूँ कि जल्द से जल्द हमें अपना वर्ल्ड कप मिल जाए।
तो बहुत मज़ा आ जाएगा। हे गाइस, तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, खाना वाना सबका हो गया था, अब मुझे नींद आ रही है और मेरे आँख देख सकते कितना भारी भारी हुआ है। मैं सुबह से बहुत काम कर रहा हूँ, थक गया हूँ और अपना सब प्रैक्टिकल का भी काम कर रहा था। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबसे जल्दी नए वीडियो में मिलता हूँ। कल नवरात्रि है तो उसका व्लॉग बनाएंगे, कल माता रानी आ रही हैं, तो अभी आप सब जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी कल नवरात्रि है तो उसका सेलिब्रेशन करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद लेंगे, अपने दिन को अच्छा बनाएंगे, अब सब अच्छा होगा। बाकी आप सब अपना प्यार बनाए रखिएगा, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।